नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील में चुनावी रैली को संबोधित किया है और पालमपुर के सुलह गांव में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हिमाचल के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को दोहराया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चुनाव जीते ही कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि हमारे सेना के जवान और उनके परिजन 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग लगातार कर रहे थे। कांग्रेस की चार पीढ़ियों तक शासन किया लेकिन इस मांग को पूरा नहीं कर पाई। जनता ने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 2015 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन देने का काम किया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 5 साल में हिमाचल के विकास में मोदी जी और जयराम जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और IIT एम्स मेडिकल पीढ़ियों तक शासन किया गया है लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया गया। जनता ने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 2015 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन देने के काम भी किए हैं और गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 5 साल में हिमाचल के विकास में मोदी जी और जयराम जी ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। IIT हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, MBBS की सीटों में भी वृद्धि की गई है, रोड या फिर बिजली के कारखाने, हर क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। शाह ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस के पास से कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि हिमाचल में एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस आती है लेकिन वो जमाना अब चला गया। मणिपुर, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अब हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आने वाली है। आगे बात कानपुर की करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के कानपुर की राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, दो लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई और दोनों रोडवेज बस में सवार बताई जा रही। इस रोडवेज बस के अंदर के हिस्से का वीडियो भी लड़कियों ने बनाकर परिवार वालों को सेंड किया था और परिजनों के मुताबिक उन्नाव के अजगेन में आखिरी बार लोकेशन जो है वो मिली थी। इसके बाद से ही उनका कुछ भी अभी तक पता नहीं चल पाया है और परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका को जाहिर भी कर रहे हैं और लखनऊ कृष्णा नगर थाने में अपहरण की तहरीर दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है और जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर निवासी दोनों लड़कियां बाबा गुरु नानक के पाठ में शामिल होने के लिए कानपुर गई हुई थी। इसके बाद वो वहां पर शिरकत की और फिर कानपुर के ही रोडवेज बस से वो रवाना हुई है। दोनों ने बस के अंदर का वीडियो बनाकर परिवार के लोगों को सेंड भी किया था और बस के अंदर इक्का दुक्का यात्री ही बैठे दिखाई दिए और कंडक्टर भी दिखाई दिया है और ज्यादातर सीटें खाली दिखाई दी। परिवार के लोगों का ये कहना है कि परिजनों का कहना है कि आखिरी बात जो है उस लोकेशन उन्नाव के जैन से मिली हुई है और उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। दोनों का मोबाइल फोन बंद आ रहा है और इसी के चलते परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ रही। परिवार के लोगों ने आनन फानन में इसकी शिकायत कृष्णा नगर थाने पर की और पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। उधर बात करेंगे सोलेदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने इटावा पहुंचकर नवनियुक्त पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और आने वाले निकाय चुनाव में उनकी पार्टी का प्रत्याशी भी उतरने वाला। उन्होंने शिवपाल यादव को असली समाजवादी पार्टी का नेता बताते हुए कहा कि शिवपाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो समाजवाद को जानते हैं लेकिन जैसे रामायण रावण ने अपने भाई को अलग कर दिया था और उसके बाद उसका सर्वनाश हो गया था और इसी तरह से जब परिवार में विघटन होता है तो क्या है, कुछ भी नहीं होता है और शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी बनाने में दूसरे नंबर का योगदान है और शिवपाल ही असली समाजवादी के नेता माने जाते हैं। भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से एक सावधान रथ यात्रा निकाली थी, उसी बीच कार्यक्रम यहाँ लगे थे और बीच में माननीय नेताजी का निधन हो गया तो
इधर के 4 दिन के कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए थे। तो फिर यहाँ के लोगों के हुआ कि रथ यात्रा समाप्त होगी, हम लोग जब लौटेंगे तो कार्यक्रम होगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ के जिलाध्यक्ष और पार्टी के नेताओं के द्वारा आयोजित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल्याण आश्रम सहारनपुर के अंदर श्री हंस जयंती के उपलक्ष्य में मिशन एजुकेशन के तहत निशुल्क पाठ्य सामग्री को वितरित किया गया है और मानव उत्थान सेवा समिति के कल्याण आश्रम सहारनपुर के प्रभारी वरिष्ठ महात्मा नित्य बाई ने बताया है कि प्रसिद्ध समाज सेवी श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा और उनके सुपुत्र विभू के निर्देशन में साल 2015 से मिशन एजुकेशन का शुभारंभ किया गया था। मिशन एजुकेशन के तहत आज श्री हंस जयंती के उपलक्ष्य में कल्याण आश्रम सहारनपुर ने गांव जंबूगढ़ और मितरगढ़ गांव में भी प्राथमिक और जूनियर स्कूल में लगभग 350 बच्चों को पाठ्य सामग्री रजिस्टर करवाई है और साथ ही साथ कॉपी पेन जैसी जरूरी चीजें भी वितरित की गई हैं। कार्यक्रम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ओमपाल पांचाल और विश्वकर्मा और अजीत राणा के साथ साथ प्रधान अनुराग और उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। हंस जयंती कल 8 नवंबर था, उसके उपलब्ध है 8-9 नवंबर को कापी का हंस महाराज की जयंती पे कापी का वितरण करा गया है। 300 बच्चे को बांटा गया है और दूसरे स्कूल में 50 बच्चों को बांटा गया है और बहुत अच्छे बच्चे खुश हुए। और मेरा ऐसा हर साल में पूरा होता रहता है, जनवरी में जैसे बांटना और मार्च में भी बांटना, अप्रैल 6 अप्रैल को माता जी की जयंती में बांटना, फल बांटना और कंबल बांटना, कपड़े बांटना, ये मेरे महागुरु महाराज जी सब हर एक आश्रम में अपना ये भाई महात्मा से करवाते रहते। खबर अमेठी से है जहां पर अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष और मसाला कारोबारी राजेश मसाला के बेटे के ऊपर एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने का मामला निकलकर सामने आया। इसी को लेकर अमेठी पुलिस ने मुकदमे को पंजीकृत भी किया है और पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुट गई। राजेश मसाला केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के करीबी माने जाते हैं और मुकदमा पंजीकृत होते ही राजनीतिक गलियारे में हलचल भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। पुलिस के अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश अग्रही के पुत्र विशाल अग्रही के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी है और पत्रकारों की तहरीर पर अमेठी पुलिस ने विशाल अग्रही और के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमे को पंजीकृत भी किया। पत्रकारों ने आरोप भी लगाया है कि बीते 6 नवंबर को रजाई वितरण समारोह की खबर कवरेज के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने खबर न चलाने की धमकी दी थी और पत्रकारों ने उसी दिन मामले की शिकायत अमेठी पुलिस सहित उच्च अधिकारियों से की गई थी। शिकायत को 2 दिन बाद पुलिस ने मुकदमे को दर्ज कर लिया है और आगे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं विक्रम भरदोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि पत्रकार को जान से मारने की धमकी और इसके ऊपर अपडेट अब क्या आ पाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से योगी सरकार में पत्रकारों को सुरक्षा और व्यवस्था देने की बात कही जा रही है, वहीं खबर संकलन के लिए गए पत्रकार के ऊपर हमला होने के बाद 24 घंटे बीत जाने के बाद FIR ना दर्ज होना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय रहा है। भाजपा नेता की दबंगई कह ली जाए या सत्ता की हनक, उसके आगे FP अमेठी भी नतमस्तक नजर आए, लेकिन काफी खबर चलाने के बाद जाकर के FIR दर्ज हुई है और अब भी संशय है कि विवेचना में क्या कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है, सत्ताधारी नेताओं के दबाव में उचित कार्रवाई हो पाती है या नहीं। बिल्कुल, और साथ ही साथ विक्रम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या इससे पहले भी ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या पत्रकारों के साथ इस तरीके की पहले भी वारदातें घटित हुई है या पहला मामला ये अमेठी में दिखाई दे रहा है?
जी पत्रकारों के साथ लगातार घटनाएं होती रहती हैं जिसको लेकर के सरकार चिंता तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं संजीदा नजर नहीं आती है। लगातार पत्रकारों पर घटनाएं होती रहती है लेकिन उस पर उचित कदम उठाने का काम नहीं किया जाता है या सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जाती है। जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं कहीं ना कहीं कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। विक्रम ये भी आपसे समझना चाहेंगे पुलिस का इस खबर को लेकर क्या कुछ रुख है? जी पुलिस 24 घंटे के बाद मीडिया के हस्ताक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन कार्यवाही अगर सुनिश्चित हो जाए और न्याय संगत जांच हो जाए तब ये माना जाए कि न्याय मिल सकता है लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव समझ लीजिए या जिला पंचायत भी है वो भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष है उनके दबाव में इस मुकदमे को दबा करके रफा दफा ना कर दिया जाए ये भी संदेह बना हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका इस तमाम जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी विक्रम अमेठी से और विस्तार पूर्वक बता रहे हैं किस तरह से पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है और पुलिस आगे कार्रवाई करती नजर आ रही है। आगे फतेहपुर की बात करेंगे जहां पर फतेहपुर जिले के अंदर गरीबी की प्रधानी में दबंग का ग्रहण लग चुका है और साथ ही साथ गांव के दबंग ने प्रधान के पति को धमकी भी दी है। प्रधानी का रुपया दो नहीं तो प्रधानी नहीं करने दूंगा और इसी को लेकर पीड़ित प्रधान ने आज जिला अधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए जान माल की सुरक्षा और दबंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि सदर तहसील के चुरियानी ग्राम सभा के प्रधान सुनैना पत्नी वीरेंद्र शिवहरे को दबंग मुन्ना सिंह गौतम ने धमकी देते हुए कहा कि प्रधानी का पूरा रुपया मुझे देते रहो तभी प्रधानी करने दूंगा। हम करीब 1.5 साल प्रधानी के हो चुके हैं। 1.5 साल से मुन्ना सिंह गौतम बराबर प्रेरित कर रहा है कोई काम नहीं करने देता। पहले हम उसके साथ रहते थे प्रधानी जीतने के बाद जो है वो पैसा वैसा ये लालच में और ब्लॉक प्रमुख भी अपना बनाए हैं इसी के आदि और उसके तहत हमको पीड़ित करता है अधिकारियों से भी पीड़ित करवाता है। उधर बात करेंगे फरुखाबाद में चौकी इंचार्ज आरके चौबे के खुलेआम गुंडई का मामला निकलकर सामने आया है जिसमें चौकी इंचार्ज आरके चौबे ने किराना दुकानदार से जमकर मारपीट की है। वहीं दुकानदार ने चौकी इंचार्ज पर रुपए मांगने का आरोप भी लगाया है और आरोप है कि चौकी इंचार्ज पुलिस चौकी बनवाने के लिए 5,000 रुपए मांग रहे थे और रुपए न देने पर इंचार्ज ने पिटाई कर आरोप भी लगाया गया है कि दरअसल उन्होंने पिटाई की है। घटना की खबर के बाद लोगों ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ इकट्ठा होकर थाने का घेराव किया और घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे थाना अध्यक्ष आमोद कुमार सिंह ने समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया है। इस खबर को लेकर आदेश यादव हमारे संवाददाता फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश क्या कुछ अपडेट मिल रही है चौकी इंचार्ज आरके चौबे की खुलेआम गुंडागर्दी के बाद इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? जनता से पुलिस को अच्छा संवाद करने की बात कह रहे हैं लेकिन एक मामला फरुखाबाद के कातिराम कॉलोनी अहमद सुलगड़िया के सामने आया है। जिस तरीके से का नाम जो है एक चौकी इंचार्ज आरके चौबे की गुंडई सामने आई है खुलेआम गुंडई करते जो देखा गया है। जिस तरीके से एक सेलमैन जो है अपना गुजारा बसर करता था फेरी लगाकर उसके साथ जमकर मारपीट की है 5,000 रुपए मांगे चौकी बनवाने के नाम से पीड़ित द्वारा मना करने पर 2 दिन लगातार मारपीट की उसके बाद कॉलोनी की जनता आक्रोशित हो गई उसके बाद पुलिस प्रशासन के जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। जी बिल्कुल साथ ही साथ आदेश ये भी आपसे समझना चाहेंगे जो चौकी इंचार्ज की जो ये खुलेआम गुंडागर्दी निकलकर सामने आ रही है आला अधिकारियों का इसके ऊपर क्या कुछ कहना है कोई एक्शन आला अधिकारी लेते हुए चौकी इंचार्ज पर आदेश दिखाई दिए? देखिए मैं आपको बता दूं किस जिले के जो उच्च अधिकारी है वो चुप्पी साधे हुए हैं किसी प्रकार का कोई बयान और किसी प्रकार की कार्रवाई से बचते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए चौकी इंचार्ज गुंडे के खिलाफ लोगों में आक्रोश व्यक्ति या चौकी इंचार्ज के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौकी इंचार्ज लगातार सुर्खियों में रहते हैं आए दिन इससे पहले भी कई जगह तैनात रहे वहां भी फेरी वालों के साथ मारपीट वसूली का इनके ऊपर आए दिन आरोप लगता रहा। जिस तरीके से फरुखाबाद के जो है कातिराम कॉलोनी अहमदपुर गड़िया में कल शाम को इनने तांडव मचाया है
तरीके से पूरी तरह से मारा है, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है पीड़ित जिस तरीके से आरोप लगा रहा है उसी तरीके से अब देखना होगा खबर चलने के बाद जिले के उच्च अधिकारी संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदेश इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आदेश यादव हमारे सहयोगी संवाददाता फरखाबाद से जुड़े हुए थे और बता रहे थे किस तरह से जो चौकी इंचार्ज है वो दरअसल गुंडाई करते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद अभी तक आला अधिकारियों ने कोई सख्त एक्शन भी नहीं लिया है। उधर बात बांदा की करेंगे जहां पर लंपी वायरस से गाय मरी पड़ी हुई मिली है और इसी को कुत्ते जो है वो नोच नोच कर खाते हुए भी नजर आ रहे हैं और मृतक पड़ी गौवंश से बदबू भी आ रही है। आपको जानकारी दें कि 2 दिन से मृत गौवंश का शव प्राथमिक विद्यालय के सामने पड़ा है और इससे विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही। वही प्रधान और सचिव को भी सूचित करने का कार्य जो है वो किया गया और मामले को उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया है। इस खबर को लेकर पंकज त्रिपाठी संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है? दरअसल लंपी वायरस की वजह से जो गाय हैं, जो पशु हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन क्या नगर निगम के लोग प्रशासन इस रवैये में ढिलाई बरत रहा है? जी जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जमाल थाना कोतवाली देहात अंतर्गत जमालपुर गाँव का है जहाँ पर एक विद्यालय के सामने 2 दिन से लंपी वायरस के चलते गाय की मृत्यु हो जाती और इसी को लेकर गांव के लोगों ने प्रधान और सचिव को बार बार फोन लगाया, किसी तरह से अवगत भी कराया, पर प्रधान ने सीधे ये कह दिया कि हम गाय उठाने के लिए हमारा काम नहीं है। तो 2 दिन से चलते वहां इतनी बदबू फैल गई कि बच्चे भी सांस लेना भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही। लेकिन पंकज जी, काफी गंभीर मामला है। दरअसल उत्तर प्रदेश का प्रशासन और सरकार लगातार जो गाय हैं, जो पशु हैं, उनको लेकर एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अगर इस तरह के मामले बांदा में निकलकर सामने आ रहे हैं तो ये सीधे तौर पर लापरवाही जो है निगम की और प्रशासन की बनती हुई नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शासन अन्ना जानवर को लेकर या गौवंशों को लेकर मुस्तैद है, मतलब एक तरफ से चिंताजनक है वो, और लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी आदेश जारी किए जा रहे हैं लगातार, पर प्रधान और सचिव कहीं ना कहीं रवैये में अपना ढीलापन दिखाते ही रहते हैं। इसी तरह गौवंशों की हालत आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 दिन से वो गौवंश विद्यालय के सामने पड़ी है और 2 दिन से मतलब उसको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि कुत्ते नोच नोच कर उसको खा रहे हैं, पर अभी तक ग्राम प्रधान या सचिव अभी तक नहीं पहुंचे कि उस गौवंश को वहां से उठा के दूसरी जगह रखा जाए। चलिए पंकज जी, आप इसके ऊपर अपडेट लेते रहिए क्योंकि काफी गंभीर ये पूरा मामला है और इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ करता है और किस तरह से आगे के इंतजाम जो है वो किए जाते हैं इसके ऊपर भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी संवाददाता हमारे। बच्चों को सांस लेने में भी दरअसल दिक्कत होती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी खबर ये बांदा की जहां पर लंपी वायरस से मृत जो है वो गौवंश मिली है। उधर बात करें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का, दरअसल असर हुआ है। सफाई कर्मी डॉक्टर जो है वो लगातार काम कर रहा था और मरीजों का इलाज भी किया करता था, वार्ड बॉय था और वो लगातार इलाज करता हुआ नजर आता था। फरखाबाद में ये खबर हमने विस्तार पूर्वक दिखाई और काफी इसको विस्तार पूर्वक दिखाते नजर आए। फरखाबाद में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर होता दिखाई दिया और आपको जानकारी दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य में सफाई कर्मी के इलाज करते हुए वीडियो वायरल हुआ था और साथ ही आपको हमने खबर विस्तार पूर्वक दिखाई थी। अस्पताल से फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय भी नदारद दिखाई दिए थे और इसी को लेकर इस खबर को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबर चलने के बाद डिप्टी सीएमओ ने खबर का संज्ञान लेते हुए मामले पर जांच करवाकर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए और डिप्टी सीएमओ को आदेश भी मिले थे क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने भी पहले इस बात को लेकर ट्वीट कर दिया था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त भी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मुझे ये वीडियो देखने को मिला जिसमें एक कर्मचारी जो वहाँ पर सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, और वही दूसरे वीडियो में ड्रेसिंग करता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत खेदजनक है और किन परिस्थितियों में
ऐसी व्यवस्था आई कि एमआईसी को उससे ड्रेसिंग करवानी पड़ी। इस विषय में मैं तुरंत एक्सप्लेनेशन ले रहा हूं। पर आदेश हमारे संवाददाता फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश, क्या कुछ अपडेट है? न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इसको खबर को दिखाया, प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद ये बड़ा एक्शन। जिस तरीके से एक जो है सफाई कर्मी जो है उसको गंभीर हालत में घायल मरीज का इलाज कर रहा था और डॉक्टर वहां से नाराज थे और जो चिकित्सकीय अधीक्षक है उनके भी मकान में ताला लगा रहता है। जिस तरीके से वहाँ के लोगों का आरोप, उसी तरह से न्यूज इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद डिप्टी सीएम बीएस पाठक ने खबर का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद डिप्टी सीएमओ फरुखाबाद को आदेश दिए। उसके तुरंत बाद जो है डिप्टी सीएमओ ने न्यूज इंडिया खबर को देखने के बाद मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल। आदेश, इससे पहले क्या अधिकारी इस बात को लेकर संज्ञान ले रहे थे या खबर दिखाने के बाद इसको प्रमुखता से लिया गया और एक बड़ा एक्शन जो है वो किया गया? देखिए मैं बता दूं, लगातार सीएससी की शिकायतें मिल रही थी लेकिन सीएमओ जो फरुखाबाद है वो अनजान बने हुए थे। जब न्यूज वन इंडिया को खबर चली उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खबर का संज्ञान लिया। उसके बाद जो है सीएमओ को जांच के आदेश दिए। उसके बाद डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। उसके बाद डिप्टी सीएम ने बताया कि न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद मामला संज्ञान में आया। उसके बाद जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी जो दोषी होगा उसके ऊपर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदेश तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आदेश फरुखाबाद से बता रहे थे कि मरीज को जो मरहम पट्टी लगा रहा था वो दरअसल वार्ड बॉय था और अस्पताल से वो नाराज भी दिखाई दिया है। आगे बढ़ के बात करेंगे। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक विशेष समुदाय की बच्ची के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक ने गलत हरकत की। वारदात की जानकारी होते ही सैकड़ों की संख्या में लोग चौकी डींग गेट पर एकत्रित हो गए और लोगों ने भारी भीड़ को देखते हुए कई थानों की फोर्स जो है वो वहां पर पहुंचती हुई नजर आई और भीड़ को खदेड़ती हुई दिखाई दी। घटना को देखते हुए पुलिस ने मामले की गंभीरता देते हुए परिजनों से तहरीर लेते हुए महिला के साथ बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है और नाबालिग बच्ची के साथ हुई इस वारदात का आरोप जो है पड़ोस में ही रहने वाले आटा चक्की चलाने वाले युवक पर लगाया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी की धरपकड़ के लिए प्रयास लगातार तेज किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी और अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। मामला यह है, अभी मैंने आगे देखा तो काफी भीड़ थी। क्या बात हो गई? तो मैं जगन और देवी नेता को बुला के लाया कि ऐसा है, आपस की बात है, उस बच्चे को हाजिर कर दो। मैंने भीड़ का जो रुख देखा, बच्चे हाजिर कर दो। कोतवाल साहब बैठे थे, बच्ची पहले ही आ चुकी हमसे पहले। उन्होंने फ़ौरन FIR करी है, फ़ौरन मेडिकल को भिजाई है। आठा लेने आई थी बच्ची, बरब्बर में उसकी तोड़ी आई दुकान है। उन्होंने जो खींच लिया लड़की को, कोई लड़का है कोली समाज का, उसने खींच के उसका दुष्कर्म किया। उधर फरुखाबाद के अंदर योगी सरकार के लाख रोक लगाने के बावजूद भी शिक्षा माफिया जो है वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बताएं कि आरोप है कि वार्ड परीक्षा के नाम पर स्कूल में अवैध वसूली लगातार की जा रही है। ICSE बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटर में अवैध वसूली हो रही है और मॉडर्न पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर और प्रधानाचार्य बोर्ड परीक्षा की 3 गुना छात्र छात्राओं से फीस वसूल भी कर रहे हैं। आपको जानकारी दें कि 500 की जगह 4500 रुपए की अवैध वसूली हो रही है और साथ ही प्रिंसिपल 4500 रुपए न देने पर छात्र छात्राओं को फेल करने की धमकी भी दे रहा है, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात पीलीभीत की करेंगे, जहां पर एक चौकी में तैनात तो होमगार्ड ने सिपाही पर आरोप लगाया है और होमगार्ड का साफ तौर पर कहना है कि सिपाही शराब पीते हैं और शराब के नशे में ड्यूटी किया करते हैं। मामला पूरनपुर तहसील क्षेत्र के थाना सहरा मऊ उत्तरी इलाके की चौकी गढ़वा कला का है, जहां पर तैनात तो होमगार्ड विचित्र पाल सिंह का आरोप है कि चौकी पर तैनात सभी सिपाही शराब पिया करते हैं और शराब पीकर ही ड्यूटी को अंजाम दिया करते हैं। शराब के नशे में सिपाही रोहित बफर ने होमगार्ड
की पिटाई कर दी है और इसकी शिकायत चौकी इंचार्ज और सहरामऊ थाना प्रभारी निरीक्षक से भी की गई। पीड़ित होमगार्ड द्वारा मामले की शिकायत की गई है पर मामले में सिपाही पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित होमगार्ड ने SP के व्हाट्सएप नंबर पर भी तहरीर भेजकर सिपाही पर कार्रवाई की मांग की है और उसके बावजूद भी अभी तक मामले में सिपाही पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं पर फिरोजाबाद में उस वक्त सनसनी जो है वो फैल गई जब हाईवे के किनारे खेतों में एक 28 वर्षीय युवक का शव खेत में पड़ा मिला। लोगों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया। वहीं घटना के बाद परिवार में काफी कोहराम मचा हुआ है। आगे बात हाथरस की करेंगे जहां पर नगर पालिका के कूड़ा उठाने वाले टेम्पो में भीषण आग लग गई है और इसमें सफाई कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। वहीं अचानक के कूड़ा उठाने वाले टेम्पो में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया और बुरी तरह से झुलसी हुई सफाई कर्मचारियों को डॉक्टरों ने गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल रेफर किया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग के ऊपर काबू पाया है। खबर ललितपुर से है जहां पर ललितपुर में तालबेहट क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम बमहोरीसर में के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया है और सड़क किनारे खड़े बाइक के सवारों को कार ने जोरदार टक्कर भी मारी जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और घटना की खबर मिलते ही परिवार के अंदर कोहराम भी मचा और साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। तो वहीं पर आगे बात फिरोजाबाद की करेंगे जहां पर फिरोजाबाद के अंदर घर से स्कूल जा रही एक छात्रा को तेज रफ्तार एक डंपर ने रौंद दिया है और घटना के अंदर छात्रा की मौके पर ही मौत भी हो चुकी है। घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया और इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव भी किया लेकिन पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया और घटना फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के चिनौरा चौराहे की है जहां पर रागी इंटर कॉलेज की छात्रा घर से स्कूल की तरफ जा रही थी तभी एक तेज रफ्तार ने छात्रा को रौंद दिया और घटना में छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी लगते ही छात्रा के परिजन सहित सैकड़ों ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर SDM SP सिटी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया जिसके बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर स्थिति को संभाल लिया और परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर श्रावस्ती की बात करें तो अवैध कच्ची शराब कारोबारी के विरुद्ध प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और DM ने नेहा प्रकाश के निर्देश पर अभियान चलाया गया जिसमें आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है और टीम ने 52 लीटर अवैध कच्ची शराब और 200 किलो लहन बरामद किए और साथ ही आबकारी टीम की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो वहीं पर 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है और गांव के बाहर झाड़ियों के बीच शव मिला। आपको ये बताएं कि 3 दिन से लापता मृतक का शव मिलने से हड़कंप मच गया और आशंका है कि हत्या कर शव को छिपाया गया। वहीं घटना की खबर मिलते ही फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हुए नजर आए हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।